जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक जिला परिषद अध्यक्ष राकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों को जिला परिषद सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। राकेश कुमार ने कहा कि अधिकारी बैठक में अपने अधीनस्थ को न भेजकर स्वयं उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार जिला के सभी खंडों को 52,30,00,000 रूपये की राशि जारी की जा रही है, जिसमें से 2018 तक 20,90,00,000 से अधिक की राशि व्यय कर 3,561 करोड़ को पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने सभी विभागों से 1460 चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा जो कार्य अभी तक आरंभ नहीं हो पाए हैं उन्हें जल्द से आरंभ करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में मई 2018 में हुई बैठक की अगुवाई की पुष्टि की गई है। बैठक में जून 2018 तक हुई आय व्यय का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा ने सभी अधिकारियों तथा जिला परिषद सदस्यों से मिलकर एक टीम की तरह काम करने का आग्रह किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं एसडीएम हमीरपुर शिल्पी वेक्टा ने भी बैठक में भाग लिया। जिला परिषद की बैठक में पधारने पर अध्यक्ष जिला परिषद ने उपायुक्त हमीरपुर का शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। त्रैमासिक बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और इसमें जो मुख्य मुद्दा था, जैसे आज बरसात का मौसम चला है तो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड बहुत से हमारे जिला परिषद मेंबर्स के प्रश्न थे और उन प्रश्नों को उन अधिकारियों के समक्ष रखा भी गया और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है और कुछ पे कार्य तो बहुत प्रगति से भी हो रहा है और उसमें सुधार किया जा रहा है उन कार्यों में। इसके साथ साथ आज हमारे जो वाइस चेयरमैन साहब हैं, इनका एक चिल्ड्रन पार्क का बहुत पुराना मुद्दा था, लगभग 2011 से जब से वो जिला परिषद मेंबर रखे उन्होंने इस पटल पे रखा, लेकिन आज जाके उस जमीन को, जो चिल्ड्रन पार्क की जमीन थी उसको, जो इंक्रोचमेंट किसने की, उस इंक्रोचमेंट हटाने के आदेश आज हमारे जो सीईओ जिला परिषद एसडीएम हमीरपुर थी उन्होंने कहा है कि इसका तुरंत निष्पादन भी किया जाएगा और उस जगह को खाली करवा के वहां चिल्ड्रन पार्क भी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो बजट था 14th फाइनेंस का हमीरपुर में, इस पे हमने चिंता भी व्यक्त की है और सभी जो विकास खंड अधिकारी हैं उनको ये आदेश भी दिए हैं कि लगभग 52,00,000 रुपया 14th फाइनेंस के तहत हमीरपुर जिला को मिला, लेकिन सिर्फ अभी तक 20 करोड़ रुपया ही खर्चा गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास तभी होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीधा पैसा पंचायतों को दिया है और इसका 100% निष्पादन होना चाहिए और सभी विकासखंड अधिकारियों ने यह आश्वासन भी दिया है कि 31 मार्च 2019 तक इस सारे का सारा पैसा खर्च कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड भी मुद्दे थे, फिर जो पौधारोपण का है, जो हमारी डीएफओ हमीरपुर बहुत अच्छा काम इस पे कर रही है, लेकिन हमने कहा कि जन सहभागिता के माध्यम से अगर इसको और व्यापक बनाया जाए तो ये ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण आज की दिशा में हमारे लिए बहुत चिंता का विषय भी है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के माध्यम से इसको और स्पीड अप किया जाएगा। इसके साथ साथ 14th फाइनेंस के तहत ही हमारे जिला परिषद मेंबर्स को लगभग 2,86,00,000 रुपया मिला और उसका भी विभिन्न जो भी योजनाएं हमारे जिला परिषद मेंबर्स के माध्यम से लाई गई वो पैसा तुरंत उन पंचायतों में पहुंच जाएगा और एक और मील का पत्थर, विकास का पत्थर उन पंचायतों में साबित होगा। कार्ड है, हमने इस प्रश्न को रखा भी था तो इन्होंने फेज मैनर्स में, जो हमारे कंसर्न विभाग के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि इसको फेज मैनर में हम दे रहे हैं और फर्स्ट फेज में जिन परिवारों को लिया, जिन फैमिलीज को इन्होंने चुना उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं और सेकंड फेज में जितने परिवार बचे हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। लेकिन हमारी एक थोड़ी सी रिजर्वमेंट्स थी, उसमें हमने जो पॉइंट रखा था, हमारा प्रश्न ये था कि सॉइल हेल्थ कार्ड, अब किसी व्यक्ति ने जमीन बेची और जिस व्यक्ति ने खरीदी उसको तो सॉइल हेल्थ कार्ड इन्होंने दे दिया, लेकिन जिसने बेची, जिस जो उसका रियल ऑनर था उसको सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं मिला। तो इन्होंने कहा कि उन परिवारों को भी जहां जहां ऐसी इनके पास सूचने आई उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड और वो लिंक करनी होती है सारी चीजें, तो कई बार वो चीजें मिली नहीं इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए। बैठक में चंदूलाल चौधरी उपाध्यक्ष जिला परिषद, पवन कुमार, अनीता ठाकुर, राजेश कुमार जिला परिषद सदस्य द्वारा लोक निर्माण बड़सर के अंतर्गत विभिन्न सड़कों की मरम्मत पर पुलिया के निर्माण के बारे में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। राकेश ठाकुर अध्यक्ष जिला परिषद हमीरपुर, लिखराज शर्मा सदस्य द्वारा वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे तथा भारी तूफान के कारण जंगलों में सैकड़ों की संख्या में
चील के पेड़ गिरने के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्यों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की कार्यवाही का संचालन सचिव जिला परिषद अधिकारी रमेश कपूर ने किया। मेरे मुद्दे थे कि गांव के लोग जो है डीसी की जमीन होती है श्यामलाल, उसको जो है वहां पर पक्के मकान बना दिए, गौशालाएं बना दी और उनका सब पूरे बेड़ों का पानी जो है वो स्कूल की तरफ को दे दिया गया। जबकि वो स्कूल के गेट की तरफ को जाने लगा, उससे पहले वो स्कूल के पीछे से जाता था, लेकिन उसके ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं किया। एक 27 नवंबर को इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी के बीच में कुछ गांव के लोग इकट्ठे किए उन्होंने और ये कहा कि यहाँ पर कोई खास मुद्दा नहीं है। मैंने कहा इस पानी को रोका जाए तो उन्होंने कहा कि ये प्रधान करवाएगा और प्रधान भी उनके साथ मिलकर के जो पूर्व प्रधान था 2014 से पहले जो थे ना, उसने ये किया कि भई कि हम करवा देंगे, लेकिन वो आज तक नाली नहीं बनी और पानी वैसे का वैसा ही जा रहा है। इसी तरीके से हमारे मेरे मुद्दे और भी थे, जैसे मुझे के चेक डैमों के ऊपर मैंने एक्सरसाइज की तो वहाँ पर दो चेक डैम बनने चाहिए थे, एक पुखरू पलाखर में और दूसरा किटपर पंचायत के बीच में। इनके बनने से जो है पूरी 3 तहसीलों को हमीरपुर, बंगाना और रक्कड़ तहसील को बहुत फायदा होता, पर्यावरण वहाँ पर बना रहता, वहाँ पर मछली पालन का काम किया जा सकता था, क्रीड़ा वाटर स्पोर्ट्स हो सकता था, वहाँ पर्यटक आते, लोगों को एरीगेशन के लिए पानी मिलता, वहाँ पर छोटा मोटा लोगों का अच्छे लाउज बनाते, लोग बाहर से आके वहाँ रहते, इनकम होती, लोगों को नौकरी मिलती, खनन रुकता, वाटर लेवल पानी का बढ़ता। और सबसे बड़ा ये है कि इस एरिए को एक अच्छे पर्यटक के रूप में जो है डेवलप किया जा सकता, जो कि